नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी हिंदी। मैं हूं आपके साथ पूर्ति अग्निहोत्री। शादी एक ऐसी रस्म जिसे हर कोई चाहता है कि वे बहुत ही धूमधाम से और अपने पूरे अरमानों के साथ करें। हर कोई चाहता है कि उनके इस खूबसूरत पलों में उनके सभी खास मेहमान उनके साथ शामिल हों। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी शादी के बारे में बताएंगे जिसके बारे में आप जानेंगे तो थोड़ा हैरान हो जाएंगे और शायद आप इसे एक सही तरीका भी समझ सकते हैं। जी हाँ, एक ऐसी शादी जिसमें मेहमान तो थे लेकिन ना तो दूल्हा था और ना ही दुल्हन इसमें शामिल थी। सोच में पड़ गए ना? जी हाँ, इन सब के पीछे की वजह दुनिया में फैला खतरनाक कोरोना वायरस है, जिसके चलते एक दंपति को अपने मेहमानों के सामने ऑनलाइन शादी करनी पड़ी। दरअसल ये दंपति सिंगापुर का रहने वाला है। जोसेफ यू और उनकी पत्नी कॉन्ग टिंग अपनी शादी के कुछ समय पहले ही चीन से सिंगापुर लौटे थे, लेकिन जब सिंगापुर पहुंचकर उन्होंने अपनी शादी का इनविटेशन अपने मेहमानों को दिया तो कोरोना वायरस के चलते मेहमानों ने शादी में शामिल होने से आपत्ति जताई। मेहमानों की इस आपत्ति को दूर करने के लिए जोसेफ और कॉन्ग ने एक अलग तरीके से शादी करने का फैसला लिया। उन्होंने निर्णय लिया कि शादी वाली जगह पर जहां पर सारे मेहमान मौजूद होंगे वहां पर वो नहीं जाएंगे और मौजूदा मेहमानों के सामने वे लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए शादी करेंगे। हालांकि इस पर काफ़ी लोगों ने आपत्ति भी जताई और उनके माता पिता भी इससे नाखुश थे, लेकिन उन्होंने किसी तरह उन्हें समझा कर मना लिया और फिर दोनों की शादी सिंगापुर के एम होटल में 2 फरवरी को लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए की गई। क्योंकि होटल पहले से बुक हो गया था और सारे अरेंजमेंट्स भी हो चुके थे जो कि कैंसिल नहीं हो सकते थे, इसलिए शादी करने का एक यही रास्ता था। आपको बता दें कि इस खतरनाक वायरस से चीन में अब तक लगभग 550 से ज़्यादा जान जा चुकी हैं। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस तरह से ये खतरनाक वायरस चीन के साथ ही दुनिया के बाकी देशों में भी तेज़ी से फैल रहा है। इस वायरस से खुद को कैसे बचाएं, इसके बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं, जिसका लिंक आप हमारे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और खुद को इस घातक वायरस से बचा सकते हैं। बाकी खबरों के लिए बने रहें एनबीसी हिंदी के साथ। NBC के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।